व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए आलू निमोना लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और टेस्टी बहुत है, बहुत डिलिशियस है, बहुत चटपटा है ये। तो ये कैसे बनेगा, क्या क्या ट्रिक्स हैं, कैसे बनाना है इसको, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये निमोना कैसे बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें, एक पॉट में हमने 1.5 गिलास पानी डाला हुआ है और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून के करीब डालेंगे इसमें नमक। और ये देखें, एक बड़े बाउल के साइज हमने मटर लिया, हरी मटर, ये ताजी मटर है ये, इसको इसमें डाल देते हैं। इसको हमें बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको सॉफ्टनेस आ जाए इसमें, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। इसको अब बॉयल आने देते हैं। ये देखें, जब तक मटर हमारी बॉयल हो रही है हम मसाला तैयार कर लेते हैं। जैसे कि ये धनिया है, इसको हमने डंडी के साथ लिया हुआ है, डंडी नहीं फेंकनी है इसकी, जो इसकी डंठल होती है इसके साथ हमें ग्राइंड करना है। और ये 3 हरी मिर्च है, आप स्पाइसी अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। धनिया डाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह से डंठल के साथ हमें धनिया को लेना है और ये हरी मिर्च भी इसी में डाल देंगे। देखिए, धनिया और हरी मिर्च हमने ग्राइंड कर लिए हैं, अब इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, 3 टमाटर है जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट कर जार में डाल लिए हैं, अब इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर को भी हमने ग्राइंड कर लिया, ये इस तरह से पेस्ट बना लेना है इसका, इसको भी साइड में रख लेते हैं। मटर को बॉयल होते हुए 3 मिनट हुआ है, 3 मिनट से ज्यादा हमें बॉयल नहीं करना है, क्योंकि ताजी मटर आ रही है तो ज्यादा टाइट नहीं होती है। ये देखें, इस तरह से हमें गला कर नहीं बॉयल करना है। अब इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। अभी ये बहुत गर्म है, ये देखें इस तरह से ये दब जानी चाहिए मटर, जब आप उंगलियों से दबाएं तो ये दब जाना चाहिए इस तरह से, तो समझ लीजिए बस इतना ही हमें उबालना है मटर को। अब गैस हम बंद कर देते हैं, पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस जब आप दोनों उंगलियों के बीच में मटर को दबाएं तो वो दब जाना चाहिए, तो समझ लीजिए मटर हमारी बॉयल हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं। देखें, हमने सारी मटर को निकाल लिया है और इसका एक कारण और भी है इसको उबालने का, कि इसका कच्चापन कुछ पानी में निकल जाता है और जब हम इसको फ्राई करेंगे मसालों के साथ तो बिल्कुल भी इसका कच्चापन एकदम से ख़त्म हो जाता है, जिससे कि आपको निमोना खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो ये कारण भी है। एक पैन रखे हैं, उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं। सबसे पहले हम इस तरह से ये पतले पतले आलू इस तरह से काटना है लंबाई में, आप किसी भी आकार में काट सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। इसको फ्राई करेंगे, हम गोल्डन ब्राउन करेंगे आलूओं को, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये देखें इस तरह से हमें इसको फ्राई कर लेना है और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो ग्रेवी के साथ पक जाएगी। 10-5 मिनट पका लेंगे तो ये आलू पक जाएगा अच्छे से। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें, 2 हरी मिर्च है, सूखी है, ये ड्राई वाली है, और हाफ सफ़ेद जीरा है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, थोड़ी सी हींग है, 1/4 टीस्पून, इसको पहले डाल देते हैं और जीरा को तड़कने देते हैं। जीरा हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें अब डालेंगे 1 बड़े साइज की महीन कटी हुई प्याज, इसको फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा। प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, बस इतना ही हमें ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है वरना प्याज जल जाएगी। और ये देखें, कुछ मसाले हैं, जैसे कि 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और ये है नमक टेस्ट के हिसाब से, और ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर है 1/4 टीस्पून, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून,
हल्दी सिर्फ थोड़ा सा डालेंगे कलर को अच्छा करने के लिए, और ये कश्मीरी मिर्च है वो हाफ टी स्पून है, इन सबको इसमें डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद हल्का सा चलाकर इसमें टमाटर जो हमने 3 मीडियम साइज पेस्ट बनाकर रखा है उसको डाल देंगे, ताकि मसाले हमारे मिक्स कर देते हैं। और टमाटर को अच्छे से भुनाई होने तक इसको भूनना है, जब तक कि तेल अलग ना छोड़ दे। टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से भून गया है, तेल सेपरेट हो गया है। अब इसमें ये जो हमने चटनी बनाई है मिर्ची की और धनिया की, इसको अब इसमें डालकर भुनाई करेंगे। ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसकी उसी के साथ भुनाई करेंगे, इसका भी कच्चापन दूर करना है। ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं। चटनी भी जो हमने डाला था धनिया और हरी मिर्च की, वो भी अच्छे से भुन गई है। और ये देखिए तेल छोड़ दिया है। अब इसमें ये देखिए जो हमने मटर बॉईल किया था उसको हमने दरदरा पीस लिया है, इसको दरदरा ही पीसना है, पेस्ट नहीं बनाइएगा बिल्कुल चिकना, वरना निमोना का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसको इसमें डाल देते हैं। और ये थोड़ा सा हमने पूरा बॉईल किया हुआ थोड़ा सा हमने इस तरह से निकाल लिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। कहीं कहीं पे खड़े खड़े मटर रहते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। और इसको भी इसी में मसाले में भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है मटर का पेस्ट डालकर भूनते हुए, इसको अच्छे से भून लेंगे तो इसका मसाले का जो सोंधापन आ रहा है वो आ जाएगा और मटर का कच्चापन भी चला जाएगा। ये बहुत टेस्टी लगता है, इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसको इस तरह से आप इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी जो आप डालेंगे कच्चा नहीं डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी से क्या होता है उसका जो टेस्ट है ये गर्म है, अगर आप ठंडा डाल देंगे तो उसमें उसका टेस्ट जो है बदल जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए आप गर्म पानी डालिएगा। और इसमें 1 गिलास डाल देते हैं। वैसे तो ये हल्का पतला ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको गाढ़ा रखना है तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी कर सकते हैं। अब ये मुझे गाढ़ा लग रहा है, ये देखिए इसमें मैं 1/2 ग्लास और डालूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, कहीं भी गुठलियां ना रह जाए मटर की, इस तरह से। और ये जो हमने आलू फ्राई किया था इसको इसमें डाल देंगे, जो इसका थोड़ा बहुत कच्चापन रहा होगा वो इसी के साथ पक जाएगा। 5 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो ये आलू भी इसी के साथ पक जाएगा। इसको ढक्कन लगा देते हैं और 5 मिनट बाद देख लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितना बढ़िया निमोना बनकर तैयार है, इसकी ग्रेवी भी कितनी बढ़िया दिख रही है। इसको एक बार चला देते हैं। एक बार आप मेरे स्टाइल में निमोना बनाकर देखिए, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। देखिए आलू निमोना बनकर तैयार है, ये बहुत टेस्टी लगता है। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई हूँ, बिल्कुल इसमें झंझट नहीं है, ना ही कोई परेशानी होगी आपको, ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो ये आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें, सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको हमारा ये निमोना पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।